17 महीने। ठीक है ठीक है, और वहां भी पता कर लेना चाहिए। ये आंसुओं, इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कहके गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे, मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर, देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है, ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो, बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए, लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से, बताइए क्या, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने। ठीक है ठीक है, वहां भी पता कर लेना चाहिए। ये आंसुओं, इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में।